दोस्तों देश भर में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश भयंकर आंधी तूफान से कई राज्यों में बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन गई और साथ ही बाढ़ से कई राज्यों में भारी तबाही भी हो चुकी है जो कि आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताजा मौसम समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी अपने गाँव राज्य जिला या क्षेत्र से जुड़े ताजा मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य अपने गाँव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके राज्य जिला और गाँव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं उड़ीसा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के स्थानीय कार्यालय ने बताया है कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन तथा अचानक बाढ़ आने की संभावना है और नदियां तथा नालों में पानी का प्रवाह भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने सोलन, शिमला और सिरमौर जिले में अचानक बाढ़ के लिए मध्यम से अत्यधिक खतरे की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य में 3 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। दोस्तों स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश संभव है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रवक्ता ने बताया है कि पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकतर भागों में बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश व एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि पूर्वी व उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों, भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहने तथा बारिश जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश जबकि अन्य स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। प्रांतीय राजधानी जयपुर में शुक्रवार को शहर के कई स्थानों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण हुए जलभराव से यातायात जाम हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वांचल में भी एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी है। गोरखपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत की सांस दी। वहीं कानपुर, लखनऊ सहित कई शहरों में सुबह से आसमानों में काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन बाद लखनऊ सहित कई जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं छिटपुट बारिश के बाद बड़ी उमस से शुक्रवार को लखनऊ के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आज सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार शाम तक बख्शी का तालाब, चौक, रकाबगंज और अमोसी समेत कई जगहों पर छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्य प्रदेश से सटे कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के किसी भी तरीके का लो प्रेशर या मानसून ट्रफ सक्रिय नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से अच्छी बारिश के आसार नहीं बन पा रहे हैं। अगले 2 दिनों में प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों समेत तराई बेल्ट की और हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके बाद लखनऊ समेत प्रदेश के कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। तब तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी से छिटपुट बरसात की दर्ज होगी। शुक्रवार को प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान कानपुर में 39.2 डिग्री और प्रयागराज में 39.1 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान नजीबाबाद में 24.6 डिग्री और मेरठ में 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोनभद्र, प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं लखनऊ और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी से छिटपुट बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। मानसून वर्षा का मौसम एक बार फिर बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार की दोपहर बाद शहर के आसमान पर घने बादल उमड़ गए और शहर में छिटपुट बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को गरज तड़क के साथ मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है। रविवार और सोमवार को कानपुर व कानपुर देहात के अलावा आसपास के जिलों में वर्षा के आसार है। लगभग 10 दिन से शहर में उमस भरी गर्मी का मौसम बना हुआ है। शुक्रवार की दोपहर बाद बादल तेजी से आए और शहर में अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी व छिटपुट बारिश करा।
गए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों के आने के साथ ही मानसून वर्षा का सिस्टम सक्रिय हो गया है। शनिवार से रविवार के बीच बादलों की गरज तड़क के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, महोबा, मैनपुरी में बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। दोस्तों, मौसम के अजीबो गरीब मिजाज से देहरादून में कहीं भारी वर्षा हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी ही नहीं है। वहीं आज राज्य में 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले शुक्रवार देर रात देहरादून में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आज भी प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हुई। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को यानी आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी बारिश के कारण मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू में अगले 6 दिनों तक बीच बीच में बारिश होती रहेगी। जानकारी के मुताबिक आज भी प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच 3 अगस्त तक बीच बीच में बारिश होती रहेगी। वीरवार देर शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार की सुबह भी जारी रही। हालांकि बारिश थमने के कुछ देर बाद ही चिलचिलाती धूप निकली, उमस से लोग बेहाल होने लगे, लेकिन दोपहर को फिर वर्षा शुरू हो गई जिससे गर्मी से राहत मिल गई। मौसम का ऐसा ही रंग अभी भी बना होगा। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई तक हल्के बादल छाए रहेंगे, फिर 1 से 3 अगस्त तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। कहीं कहीं अधिक बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की भी नौबत भी बन सकती है, इसलिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को नालों और दरियाओं के किनारे से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। जम्मू में 9.4 मिलीमीटर, कटरा में 48.4, भद्रवाह 15.0, बनिहाल 4.0, बटोत में 7.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। पल पल मौसम बदल रहा है। वीरवार को मौसम शुष्क बने रहने के बाद शुक्रवार को अधिकांश इलाकों में तड़के ही बारिश शुरू हो गई, जो देर शाम तक रुक रुक कर जारी रही। बारिश के चलते तापमान सामान्य से नीचे चला गया, जबकि एक दिन पहले वीरवार को मौसम में सुधार आने से पारा सामान्य से ऊपर चला गया था। अगले 24 घंटों के दौरान घाटी के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। दोस्तों, वर्तमान में मानसून के प्रभाव से गत दिनों में जनपद में नियंत्रण बारिश हो रही है। मौसम विभाग केंद्र द्वारा जारी मौसम संबंधी अलर्ट के अनुसार आगामी दिनों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इस मौसम के केंद्र जल भराव, अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी घटनाएं घटित हो सकती है। आगामी दिनों में होने वाली अत्यधिक बारिश को देखते हुए जनपद के विभिन्न इलाकों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्व व उत्तर पूर्व भागों के जिले में 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। पटना और आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी के भी आसार। वहीं उत्तर बिहार में वर्षा की सक्रियता में हल्की वृद्धि हो सकती है। हालांकि सामान्य से बहुत कम बारिश होने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 30 से 31 जुलाई को उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार को अगले 2 अगस्त तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में बारिश की सक्रियता भी हल्की वृद्धि हो सकती है। हालांकि वर्षा सामान्य से बहुत कम होने की संभावना है। 30 से 31 जुलाई के आसपास उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा हो सकती है। तराई के 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस अवधि में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 55 से 65% रहने की संभावना है। औसतन 9 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। हरियाणा वासियों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण मानसून ट्रफ का सामान्य स्थिति में आना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज और कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 26 जुलाई के बाद से मानसून फिर से एक्टिव हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पूरे दिन हरियाणा के कई भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस साल हरियाणा में 1 जुलाई से मानसून एक्टिव हुआ है। इसके बाद से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रदेश में अधिक बारिश हुई है। 1 जुलाई के बाद से लगातार शुरुआती दोनों सप्ताह अच्छी बारिश हुई है। वहीं तीसरे सप्ताह में बदलाव हुआ और बारिश कम हुई। हालांकि चौथे सप्ताह में भी हर दिन बारिश देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 17 जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार औसतन 5.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 54.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं हिसार जिले में 28 मिलीमीटर, पलवल जिले में 22 मिलीमीटर तक बारिश हुई है।
बता दें कि कल रेवाड़ी के पूरे दिन बादल छाए रहे और 3 घंटे तक बारिश होती रही। जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अब राज्य में कुछ दिन के लिए मौसम का मिजाज कुछ इसी कदर बना रहेगा। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती बना है, जिससे हवाओं का क्षेत्र अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव क्षेत्र में बदल गया है। यही कारण है कि मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। पंजाब में मानसून अपना असर फिर दिखाने वाला है। कई जिलों में शुक्रवार को तेज हवा के साथ तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने पंजाब भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों, पंजाब के कई जिलों में शुक्रवार को तेज हवा के साथ तेज वर्षा हुई। इस कारण रावी, घग्गर व मारकंडा नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। गुरदासपुर के भारत पाक सीमा से सटे डेरा बाबा नामक के रावी का जलस्तर बढ़ने से कसोवाल तक पहुंचने का मार्ग टूट गया है। पटियाला में भी दोबारा टांगरी व मारकंडा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने घनौर और सनौर के कई गांवों को अलर्ट जारी कर दिया है। उधर मौसम विभाग चंडीगढ़ के मुताबिक अब 1 अगस्त तक राज्य में भारी वर्षा की संभावना नहीं है। कुछ जिलों में हल्की वर्षा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।